जय हिंद महाशीष रंजन, आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम अपने थाना के बाहर आराम से बैठे हुए हैं। प्राकृतिक का एकदम हरा भरा चीज़ है, थोड़ा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए घुमा के जल्दी से। एकदम से हरा भरा है यहाँ पे, देख लीजिए। अभी बिहार पुलिस में आ रहे हैं 1275 लोग, सेवा दीजिएगा। तो आपको भी ग्रामीण थाना बहुत सारे को मिलेगा, चूँकि शहरी थाना बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ग्रामीण थाना मिलेगा तो थोड़ा बहुत समय मिलेगा आपको भी। तो अभी हम लोग बात करेंगे 1275 जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको मेडिकल को लेकर के। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और कहीं का किन्हीं पे दिक्कत है तो प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, वो सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर 1275 लोग आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो यह आप मान के चलिए 99.9% कि आप बिहार पुलिस में सेवा देने आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बात है आपका मेडिकल का, तो मेडिकल हर ज़िला का अलग अलग होता है। मान लीजिए आप पटना का हैं तो पटना का अलग होता है, नालंदा के हैं तो अलग, मुजफ्फरपुर अलग, गया अलग, भागलपुर, इस तरह से 3800 ज़िला है तो 3800 ज़िला में आपका अलग अलग होगा। इसके बाद उस ज़िला के अनुसार होता है, कहीं पे थोड़ा टफ भी लिया जाता है, कहीं पे आसानी से पार हो जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ आराम ही से हो गया था, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। एक का प्रॉब्लम था हार्ट का, तो उसको रोका गया था। तो अगर आपके हार्ट उट के पेशेंट हैं या फिर आपका एड्स वगैरह है तो इस स्थिति में आपको रोक दिया जाएगा, आपका सलेक्शन नहीं होगा उस टाइम। बाकी बाद में आपको चेकअप या जांच पड़ताल करके कुछ हो सकता है। इसके अलावा जो चेक होता है आपका आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। किन्हीं का कम ज़्यादा भी है तो काम चल जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी काम चल जाएगा, और आई में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप फिजिकल दे के आए हैं तो पैर हाथ आपका सब कुछ सही होगा ही, बिल्कुल सही होगा, उसमें फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होता है, एड्स का टेस्ट होता है, हम लोग के यहाँ हुआ था, हार्ट का चेक हुआ था, इसके बाद यूरिन टेस्ट भी हुआ था हम लोगों का। तो ये सब टेस्ट है जो आपको मेडिकल में, अब ऐसा नहीं है कि पैर दोनों जो हम लोग का ये घुटना सटता है वो सब वगैरह चेक नहीं होता, हाथ इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे करके भी नहीं देखा जाएगा कि आपका हाथ टेढ़ा है या पैर टेढ़ा है तो इसके वजह से आपको हटाया जाएगा, कि ऐसा बात नहीं है। एक ही बात है कि आप यहाँ तक चले आए हैं तो बिल्कुल निफिक्र रहिए, आप 99.99 चांस है कि आप एकदम बिहार पुलिस में कार्य करने आ रहे हैं। इसके अलावा कोई टेस्ट तो हम लोग के यहाँ नहीं हुआ था, इतना ही टेस्ट हुआ था, 5-6 टेस्ट, और वो दूर पे रख रख के कुछ पढ़वाएगा या फिर कलर उलर वाला जो रहता है ना, 7-2 इस तरह से लिखा हुआ रहता है इतना बड़ा गोल में, वो सब पढ़वाता है, तो वो सब आपको पढ़ने के लिए रहेगा। पटना का थोड़ा सा टफ चेक होता है, यानी पटना वाले जो होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पटना में थोड़ा टफ टेस्ट होता है। हम लोग गए थे तो नवादा में भी उस टाइम मतलब अच्छा खासा लड़का लोग को साइड किया था, उसके बाद फिर लोग आए थे, फिर अपना अच्छे से जांच करवा करके सुधार करके फिर लोग आए थे। तो आपको मेडिकल में उतना दिक्कत नहीं है, मेडिकल सब कुछ क्लियर है। अब बात रहा सिलेक्शन लेटर का, तो सिलेक्शन लेटर आपको जिस दिन बुलाया जाएगा IGगंज में उससे 2 दिन पहले ही देता है, 2-3 दिन पहले दे देगा, उसके बाद बुलाया जाएगा। वहाँ भी आपका शारीरिक मापदंड होगा जो भी बेसिक है, जैसे हाइट, चेस्ट, ये सब वगैरह, और डॉक्यूमेंट वगैरह का जाँच होगा। इतना कुछ होता है, फिर भी कुछ लगे आपको कमी तो आप मैसेज करिए, वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको बताएँगे, ठीक है। धन्यवाद।